नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। देश भर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेसियों ने सत्याग्रह किया है। संभल के जिला मुख्यालय बहजोई में कांग्रेसियों ने अपने नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बीजेपी पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने और तानाशाही करने का आरोप लगाया है। कन्नौज में डीएम ने आम लोगों से पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल ना करने की अपील की है। दरअसल कन्नगर भ्रमण पर निकले डीएम ने सड़क पर कूड़ा फेंकने से भी लोगों को मना किया है। जिलाधिकारी शुभांत कुमार शुक्ला ने आज इत्र नगरी का औचक निरीक्षण किया। वहीं डीएम ने लोगों के पास जाकर उनसे पॉलीथीन बैग का बहिष्कार करने की अपील करते हुए कहा कि जब तक हम लोग पॉलीथीन के थैले लेना बंद नहीं करेंगे तब तक इसका उपयोग बंद नहीं हो पाएगा। साथ ही डीएम ने शहर को स्वच्छ रखने के आदेश भी दिए हैं। खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव निजामपुर से है जहां एक फर्नीचर के शोरूम में भीषण आग लग गई। शोरूम के ऊपरी मंजिल में रह रहे परिवार ने जब धुआं उठते देखा तो उन लोगों में हड़कंप मच गया। इस आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई गई, जिसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। संभल में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बिजली विभाग ने टूटी पड़ी हाई टेंशन बिजली लाइन को ठीक नहीं किया था, जिसकी वजह से एक किसान की मौत हो गई है जबकि एक किसान झुलस गया है। मृत किसान के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ गुस्सा दिख रहा है। ये पूरा मामला जुनावाई थाना के गांव घौसली मोहकम का है। बुलंदशहर में सिकंदराबाद के शिवालयों में शिव भक्तों ने बाबा भोले पर खूब गंगा जल चढ़ाया है। साथ ही बाबा भोले के जमकर जयकारे भी लगाए हैं। दरअसल सावन महीने के शिवरात्रि के पावन पर्व पर बुलंदशहर के शिवालयों में शिव भक्तों और कांवड़ियों ने खूब नाच गाकर बाबा भोले का अभिनंदन किया। खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत में नवविवाहित युवती ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल युवती ने पति पर मारपीट, शारीरिक शोषण और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। साथ ही पति ने कहा कि आरोपी पति शराब पीकर उसे पेट पर लात मारकर गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। पीड़ित विवाहिता ने SP से न्याय की गुहार लगाई है। ये पूरा मामला थाना सुनगढ़ी इलाके का है। मेरठ में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया, जिसके बाद युवक को अस्पताल ले जाते वक्त उसकी जान चली गई। पुलिस ने पिकअप ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला थाना ब्रह्मपुरी के लिसाड़ी रोड का बताया जा रहा है। खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर के रेलवे खनालमपुरा यार्ड में रेलवे कर्मचारी सहकारी और ऋण समिति सदस्य पद के लिए हुए चुनाव में इसराइल राणा ने अपने प्रतिद्वंदी को हराकर जीत हासिल की है। चुनाव में इसराइल राणा को 344 मत मिले हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी को 94 मत मिले हैं। वहीं चुनाव में जीतने के बाद इसराइल राणा को फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। जीत हासिल करने के बाद इसराइल राणा ने कहा कि मैं पूर्व की तरह ही आगे भी सभी सदस्यों की निस्वार्थ सेवा करता रहूंगा। खबर गदरपुर से है। गदरपुर में बुक्सा जनजाति कल्याण सेवा समिति के बैनर तले डॉक्टर अजय रावत की पुस्तक का स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए खंड विकास कार्यालय में तहसील तक जुलूस निकाला। वहीं बुक्सा जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्ष बाबू सिंह तोमर ने कहा है कि अजय रावत द्वारा लिखी गई किताब में बुक्सा जनजाति के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमने आज गदरपुर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मांग किया है कि सरकार प्रोफेसर अजय रावत के द्वारा लिखी गई पुस्तक को मार्केट से वापस ले ले।
सुभासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज बस्ती पहुंचे, जहां वो बस्ती और देवीपाटन के मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। ओम प्रकाश राजभर के आने से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने मुफ्तखोरी योजनाओं पर अपनी बात रखी और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया। बस्ती जिले के कप्तानगंज में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एम्बुलेंस के इंतजार में एक महिला ने ठेले पर बच्चे को जन्म दिया। बता दें कि परिजनों ने 102 नंबर पर टेलीफोन किया, जिसके बाद वहां से गाड़ी की आईडी भी उपलब्ध करा दी गई, जो कप्तानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर खड़ी थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंचा और इधर महिला प्रसव पीड़ा से परेशान थी। हाँ, ये मेरे मटर के संज्ञान में है। एक्चुअली मैं एक प्रसूता थी, नाम सीमा, उम्र लगभग 25 साल, जो यहाँ की रमापुर की निवासी थी। जो है उसको कल रात में करीब जो है 9:30 बजे प्रसव पीड़ा हुआ और उसने जो है 102 नंबर पे एम्बुलेंस पे कॉल किया, लेकिन 102 नंबर कॉल आईडी उसको मिल भी गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो गाड़ी खराब है, जिसकी वजह से उसको 108 नंबर गाड़ी पे ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन वो गाड़ी जो है हरैया ब्लॉक की मिली, जिसको आने में काफ़ी लेट हो गया, सब सुनने मारा कि 1 घंटा करीब लेट हो गया, और रास्ते में ही वह प्रसव जो पीड़ित महिला थी उसको प्रसव हो गया, और उसको जो है किसी तरह से वो लोग जो है उनके परिजन ठेले पे लाद के हमारे सीएससी कप्तानगंज में ले आए, जहाँ पे यहाँ पे स्टाफ पहले से थोड़ा सा इसके बारे में पता था तो मुस्तैद था, उसको तुरंत हैंडल किए और भर्ती कराया गया। यही पे उसका जो है बल्कि कार्ड भी क्लेम किया गया और काटा भी गया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पार्टी पोलटैक्स की भेंट चढ़ी दर्जनों विकास की योजनाएं। नगर पंचायत पुरोला के दर्जनों विकास की योजनाएं आम रास्ते से लेकर मार्ग चौड़ीकरण, नाली निर्माण कार्य, पार्किंग की समस्या, ऐसे तमाम विकास कार्यों को उत्तराखंड सरकार द्वारा निरस्त करने पर नगर पंचायत में रहने वाले लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालकर तहसील परिषद में धरना प्रदर्शन किया। तहसीलदार चमन सिंह के माध्यम से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन देकर सभी 9 निर्माणाधीन विकास कार्यों को जल्द शुरू करवाने की मांग की गई है। उत्तरकाशी में नगर पालिका परिषद ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत रामलीला मैदान में आयोजित स्वनिधि महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधायक ने फीता काटकर स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर विकास खंड भीमताल के गांव चोपड़ा का कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने निरीक्षण किया। 3 किलोमीटर की उबड़ खाबड़ चढ़ाई में जाकर मंडल आयुक्त दीपक रावत ने तमाम अधिकारियों के साथ पहाड़ से आ रहे बोल्डरों का निरीक्षण कर गांव वालों की समस्या के जल्द निस्तारण के आदेश दिए हैं। इस दौरान आयुक्त ने कहा है कि भूस्खलन को रोकने के लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाए, जिससे ग्रामवासी सुरक्षित रह सकें। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।